हाँ बिल्कुल, जिस तरह का वो जो सिचुएशन थी मैच की और जिस तरह का एक कोशिश यही थी कि जिस तरह खुद को भी क्रैम पड़ रहे थे बॉडी के अंदर और कोशिश ये कर रहे थे कि अपनी बेस्ट बॉल डिलीवर कर सकें, बट अनफॉर्चुनेट जिस तरह बॉल उस तरह डिलीवर नहीं हुए। और जो नेक्स्ट मैच है अब जिस तरह भी कल का मैच है इंडिया के खिलाफ, कोशिश करूँगा जो अपना जो कमी रह गई थी और उसको 100% दूँ और अपनी टीम के लिए बेस्ट कर सकूँ। हारिस, हमने देखा कि विराट ने आपको शर्ट दी और क्या बातें उस शर्ट के दौरान देते हुए आपने उनको कहा कि आप शर्ट तो मुझे दे रहे हैं लेकिन आउट तो फिर भी मैं आपको करूंगा। देखिए गेम है और गेम को गेम की तरह लेते हैं और बाकी जिस तरह विराट भाई जिस तरह के हैं प्लेयर और सबको पता है नो डाउट, जिस तरह उन्होंने अपनी कंट्री के लिए और जिस तरह इंटरनेशनल में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो लेजेंड है और उनसे काफ़ी कुछ जिस तरह बंदा बात करता है उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जिस तरह भी आप अपने सीनियर प्लेयर से बात करते हो, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शो करते हैं तो उससे काफ़ी कुछ आप लर्न करते हो। बाकी बात रही शर्ट की और जिस तरह उन्होंने शर्ट दी उनका थैंक्स और जिस तरह मैंने उनसे काफ़ी टाइम से कहा भी था शर्ट का, तो और वो जिस तरह भी मैच हुआ और उन्होंने मैच के बाद मुझे शर्ट दी काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ। हरीश से आपका पाकिस्तान में शहीन से भी अच्छा रिकॉर्ड है डेथ ओवर्स में, स्टैट्स वाइज में बात कर रहा हूँ। आप जिस टाइम बॉल करते हैं सूर्य कुमार जाते बैटिंग पे आएंगे, अगरचे पहले मैच में अच्छा नहीं खेले मगर एक अच्छे बैट्समैन है, उनके टॉप ऑर्डर नहीं चले मगर सूर्य एक अच्छे लीग में है, तो उनके उनके खिलाफ भी प्रैम बनाया हुआ ऐसे बॉलर आप देखें जिस तरह वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं अपनी टीम के लिए, जिस तरह भी लास्ट जितने भी मैचेस खेलते हैं जितनी भी सीरीज खेले हैं एशिया कप से पहले और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई है, और जारी बात है एक अच्छे प्लेयर के खिलाफ आप अपनी अच्छी अपनी जो स्ट्रेंथ होती है अपनी कोशिश करते हुए अपनी स्ट्रेंथ पर बॉलिंग की जाए। नो डाउट जिस तरह अगर वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं बट आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि यार आपने किस तरह टीम को अपनी अपना बेस्ट देना है, और कोशिश करेंगे कि जितने भी उनके बैट्समैन हैं और कोशिश यही करेंगे कि जो अपना जो 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 उनका वीक जोन है कोशिश करेंगे उनमें उनको वहाँ पे बॉल की जाए और उनको ताकि जितना डॉट बॉल्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि जब वो डॉट बॉल होंगे जब रन नहीं मिलेंगे तो वो बैट शॉट जरूर खेलेंगे। हाँ देखें जिस तरह के भी मैचेस हुए हैं जिस तरह आपको स्विंग मिल रहा है एज अ फास्ट बॉलर अर्ली ऑन आपको जिस तरह पाते हो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप विकेट ले सकते हो, और जिस तरह की यूए के विकेट्स हैं पर बिल्कुल आप ठीक कह रही हो उस तरह के विकेट नहीं मिल रहे और स्पिनिंग में भी उस तरह हेल्पफुल नहीं है, और फास्ट बॉलर का अगर हेल्प कर रहे हैं कि जिस तरह की बॉल विकेट आपको मिल रहा है और उस तरह बॉल आपका स्किट हो रहा है इनकी विकेट पर आपको स्विंग भी मिल रहा है, तो देखें नेक्स्ट मैचेस में कैसी पिचेस बनती हैं और आपको जब आप जाते हो ग्राउंड में आप पिच को देखते हो तब आपको पता चलता है कि यार इस पिच या जब स्टार्ट करते हो मैच तो आप फिर देखते हो कि यार पिच कैसा बिहेव कर रहा है तो फिर आप उस प्लेयर से जाते हैं। देखें जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैच खेल रहा होता हूँ तो मेरी मोस्ट प्रोबेबली ये माइंड में नहीं होता कि यार विकेट लेनी है, कोशिश यही होती है कि डॉट बॉल किए जाएँ। आप जब भी डॉट बॉल करते हो T20 गेम है आप अपने आप बॉल जितने आप सेव कर सको उस पर ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि जितने आप बॉल सेव करोगे विकेट आपको ऑटोमेटिकली फिर खुद मिल ही जाती है। सडन प्लान आपके हर प्लान्स होते हैं डिफरेंट प्लेयर्स के खिलाफ डिफरेंट टीम्स के खिलाफ, और नो डाउट जिस प्लान्स हैं अपने कोशिश ये करते हो कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो बेसिकली, क्योंकि डेथ बॉलिंग होती है आपको एक एक टारगेट बॉलिंग जिस तरह आप करते हो जो आपको एक माइंड में होता है कि यार जो आपकी जिस तरह यॉर्कर्स हैं या स्लो वंस हैं तो वो आप उस पर ऑब्वियसली जाते ही जाते हो, एट दी एंड जब आपकी विकेट जिस तरह बिहेव करती है मोस्ट प्रोबेबली चांस आप उस पर भी जाना पड़ता है आपको सम टाइम। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली जिस तरह शाहीन इंजर्ड हुआ और उसमें थोड़ा बहुत शुरू में था कि यार नया बॉल कौन करेगा, और जारी बात है जिस तरह शाहीन खेलता था उसके साथ कॉन्फिडेंस था कि वो अर्ली ऑन विकेट आम को लेके जाता था,
तो उससे काफ़ी जब मैं बॉलिंग कराता था तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था। और नो डाउट जिस तरह अभी नसीम ने बॉलिंग की, जिस तरह उसने इंडिया के ख़िलाफ़ बॉलिंग की हांगकॉन्ग के खिलाफ, तो मुझे उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और रिलैक्स होता हूँ कि जब बॉलिंग के लिए आता हूँ यार ठीक है, जो अर्ली ऑन आपको अच्छा बॉलर जो उनसे बॉल करके दे रहा है, तो एज अ जिस तरह बैटिंग की पार्टनरशिप होती है इस तरह बॉलिंग की भी पार्टनरशिप होती है। तो जिस तरह शाहीन मेरे साथ खेलता रहा और काफ़ी टाइम से मैं शाहीन के साथ ही खेल रहा हूँ तो उससे काफ़ी रिलैक्स होता था, बट अभी जिस तरह नसीम बॉलिंग कर रहा है और उससे काफ़ी खुद अभी काफ़ी रिलैक्स हो रहा हूँ कि यार जो आप जिस तरह आप चाहते हो, जो आप कंडीशन चाहते हो, जो सिचुएशन चाहते हो आपको मिल रही है। हारिस साहब पिछली बार इंडिया से जरूर हारे लेकिन हांगकांग को बड़ा जबरदस्त तरीके से हराया है, इंडिया के पास जडेजा नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है कौन फेवरेट्स है, आप अपने आप को मानते हैं फेवरेट्स? देखें दोनों टीमें जिस तरह हैं और हाई प्रेशर गेम होता है इसमें, आप कभी भी कोई भी इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो, चाहे वो आप हांगकांग के खिलाफ खेलो चाहे किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, तो इंटरनेशनल गेम आपको पता है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट होता है, तो आप हमेशा आप अपने बेस्ट से जाते हो, कोशिश करते हो कि अपना बेस्ट दें। जिस तरह अभी जडेजा इंजर्ड हुआ है तो उसके रिप्लेस आई हुई है अक्षर पटेल, तो मेरे ख्याल से उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था तो लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर ही आया, तो मेरे नहीं ख्याल कि उनकी कोई टीम में कोई इतनी कोई चेंजिंग है या कुछ होगा। बाकी हम अपना बेस्ट देंगे, अपना जिस तरह लास्ट मैच हमने खेला इंडिया के खिलाफ हम काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे और जिस तरह हमने लो स्कोरिंग में भी अपने अपना बेस्ट दिया, जिस तरह टीम ने एफर्ट की और उसी मोमेंटम को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट मैचेस के लिए। अगर बाबर आजम के फॉर्म के बारे में बात करें, जो पहले दो T20 रहे और उससे पहले भी जो उनके T20 रहे हैं, पिछले 10 T20 में बहुत ज्यादा रन नहीं आया, तो क्या कभी कैप्टन की फॉर्म को लेकर बात होती है या कभी कोई ऐसी बात होती है कि शायद ओपनिंग में ही कुछ चेंज कर दिया जाए क्योंकि रन नहीं आया, पिछले कल हांगकांग के मैच में भी ज्यादा रन नहीं है, तो क्या कुछ कभी ऐसी बात होती है इस चीज को लेकर? देखें ये एक टीम गेम है, एक सिर्फ एक प्लेयर पे नहीं आप वो कर सकते कि यार वो रन करेगा तो टीम जीतेगी, और जिस तरह आप सबको पता है बाबर आजम जिस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उनको पता है कि यार मैंने अपने टीम के लिए कितना बेस्ट करना है, वो सिर्फ बैटिंग में नहीं है, वो आपको एज अ प्लेयर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं और एज आप जितने आपके आपके बस प्लेयर होते हैं आप सबको लेकर चलना पड़ता है, और नो डाउट उनकी जिस तरह उस तरह रन्स नहीं हुए तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि उन रन्स कैसे करने हैं और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में उनको पता होगा कि मैंने आगे क्या करना है अपनी टीम के लिए, जो बेस्ट करना है वो दे रहे हैं इंशाल्लाह। नंबर 1, 2, 3 बैट्समैन कितने इंपॉर्टेंट है उनके विकेट, क्योंकि कल हम जैसे हमने देखा कुशल मेंडिस जो है वो पूरा गेम ले लेके गए बनाए थे टेल एंडर्स के साथ, तो बतौर बॉलर आपको क्या लगता है कि क्या क्रूशियली विकेट्स रेगुलर अंतराल में देखिए इस जिस तरह की विकेट्स हैं और वो यही डिमांड कर रही हैं कि आपको थोड़ा बहुत आपको विकेट पर स्टे करना पड़ेगा और जब आप अच्छे सेट हो जाते हैं तो फिर आपको रन्स मिल रहे हैं, जिस तरह अभी लास्ट मैचेस में भी देखा, जिस तरह अभी लास्ट मैच में रिजवान भाई ने खेले वो सेट हुए, उन्होंने अपनी टीम को थोड़ा लंबा लेके गए और उसमें रन्स हुए, और एट दी एंड आपको जब नया बैट्समैन आता है जिस तरह की विकेट्स हैं वो जारी बात है वो आके स्ट्रगल करेगा, और बाकी जिस तरह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो टॉप 3 बैट्समैन हैं उनमें से एक को थोड़ा लंबा लेके जाना पड़ेगा ताकि वो एट दी एंड तक जाएँ और वो अच्छा रन्स वो सेट कर सके अपनी टीम के लिए। बिल्कुल आपको पता है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का हाई प्रेशर गेम होता है और दोनों टीमों में प्रेशर होता है ऑब्वियसली बात है, और हर प्लेयर अपनी टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है और एज अ टीम मैनेजमेंट जिस तरह वो हमें सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और जिस तरह काफ़ी 1.5-2 साल हो गए हम अपनी इसी मैनेजमेंट के साथ हैं और वो जिस तरह हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, जिस तरह वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, जब हम मैच खेल रहे होते हैं तो हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं कि यार ठीक है हमारी मैनेजमेंट हमें बैक करती है, हम जैसी भी परफॉर्मेंस करते हैं तो चाहे अब जो मैच हो इंडिया के खिलाफ हो जिस किसी भी स्टेज पर आप मैच खेल रहे होते हो तो आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं हम लोग। देखिए उनके भी दोनों मेन प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव और पांड्या, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और कोशिश यही करेंगे उनको अर्ली उनकी विकेट ली जाए
ताकि उनकी टीम स्ट्रगल करे। अगर अब उनके स्टार्ट में विकेट लेते हैं तो वो आके जिस तरह टाइम लेके फिर रन्स करते हैं, तो उनको टाइम ना लेने दें ताकि उनकी विकेट अर्ली ऑन ली जाए, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा।